आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। सीएम योगी ने सपा और रालोट के गठजोड़ पर किया वार, कहा माल पुराना सड़ा हुआ है लेकिन लिफाफा है नया। कयामत के दिन तक इनका नहीं होगा सपना साकार, हमारे पास है दोनों विकास और बुलडोजर, 10 मार्च के बाद इनकी शांत करा देंगे गर्मी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा विधानसभा चुनाव के नामांकन के लिए जोन के 3 जिलों का नामांकन किया जा चुका है प्रारंभ, बाकी सभी जिलों में 4 फरवरी को होगा नामांकन। कहा नामांकन को सकुशल संपन्न कराया जाएगा, सभी जिलों में पर्याप्त फोर्स की गई है तैनाती। जनवरी को ग्राम छोटी कैली गांव में हुई महिला की गोली मारकर हत्या में वांछित अभियुक्त को गीडा पुलिस ने किया गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त एक देसी तमंचा एक जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर बजट के बाद बुधवार को प्रधानमंत्री ने पूरे देश के लोगों सहित भाजपा महानगर के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल माध्यम से किया संबोधित, कहा मंगलवार को पेश हुआ बजट कैसे अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा इसके बारे में पीएम मोदी ने बताया लोगों को। चार फरवरी को मुख्यमंत्री के नामांकन और कार्यक्रम स्थल गोरखपुर क्लब नेपाल क्लब एमपी इंटर कॉलेज का एडीजी जोन अखिल कुमार ने पुलिस अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण, कहा नामांकन को सकुशल संपन्न कराने के लिए तैयारी है पूरी, नामांकन को सकुशल कराया जाएगा संपन्न। कैंप लगाकर जीडीए द्वारा नागरिकों की समस्याओं का किया जा रहा है समाधान, जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने दी जानकारी। चार फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नामांकन स्थल कलेक्ट्रेट परिसर का एडीजी जोन ने किया निरीक्षण, कहा नामांकन को संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन की तैयारी है पूरी, कमियों को दूर करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। गोरखनाथ मंदिर परिसर का एडीजी जोन अखिल कुमार ने अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। जीडीए ने पहली बार 200 करोड़ की कमाई, जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने दी जानकारी। गोरखपुर में बुधवार को पाए गए 75 नए कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में पहली बार घटी एक्टिव केस की संख्या 1000 के नीचे, अब एक्टिव केस की संख्या हुई 922, सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने की पुष्टि। एक निजी संगठन ने एडीजी जोन अखिल कुमार को सौंपा 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, एडीजी जोन ने कहा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को जोन के सभी जिलों में किया जाएगा वितरित, संगठन को दिया धन्यवाद। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने नागरिकों से विधानसभा चुनाव में मतदान करने के लिए अपील करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में सभी लोग 3 मार्च को अपने घर से निकलकर करें मतदान, देश को बनाए मजबूत। बाईस विधानसभा चुनाव में ड्यूटी पर लगे मतदान कार्मिकों के अंतिम दिन का प्रशिक्षण सकुशल हुआ संपन्न, ईवीएम मशीन के संचालन सहित चुनाव कराने की दी गई विस्तृत जानकारी। और सड़क के किनारे अतिक्रमण करने वाले ठेला खोमचा वालों के साथ एसपी ट्रैफिक की अध्यक्षता में बैठक हुई संपन्न, किया स्ट्रीट वेंडरों से अनुरोध ना करें अतिक्रमण, कहा नगर निगम द्वारा चिन्हित स्थान पर ही लगाएं ठेला खोमचा। विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए रामगढ़ताल पुलिस ने एसएसबी जवानों के साथ क्षेत्र में किया फ्लैग मार्च, जनता को दिलाया सुरक्षा का एहसास। और
बुधवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 359 केंद्रों पर 33,567 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। फर्स्ट डोज लेने वालों में 6,107 लोग तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 26,075 लोग रहे शामिल। ACMO ने कहा, कोविड प्रोटोकॉल का करें पालन, लगाएं मास्क, करें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन।